हेलो चिल्ड्रंस, हाउ आर यू? पढ़ाई कर रहे हो ना घर पे? तो इससे पहले मैंने तुम्हें दिस दैट दीज दोज इज एम आर का प्रयोग यूज कैसे करते हैं ये तुम्हें बताया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ हैव एंड हैज। ओके, अब मैं कुछ वाक्य लिखे हैं, यहाँ सेंटेंसेस लिखे हैं, उनको मैं पढ़ूंगी और उनको आप ध्यान से सुनो। मेरे पास एक किताब है। आई हैव अ बुक। हमारे पास एक बल्ला है। वी हैव अ बैट। उसके पास एक गेंद है। उसके यहाँ पर हम लड़का मान के चल रहे हैं तो ही बोलेंगे, अगर हम लड़की मान के चलते तो यहाँ पर हम बोलते शी। तो ही हैज ए बॉल। तुम्हारे पास एक खिलौना है। यू हैव ए टॉय। उनके पास किताबें हैं। दे हैव बुक्स। उसके चार पैर हैं। उसके हम किसके लिए कह रहे हैं यहाँ पर? कुर्सी के लिए। अब देखो, कुर्सी जो है एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट और एनिमल्स के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, लेकिन पीपल्स के लिए हम इट का प्रयोग नहीं करते। तो उसके चार पैर हैं कि को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इट हैज फोर लेग्स। अब इनका हमने देखकर ये समझा, आई यू वी दे और प्लूरल पर्सन मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति यदि हो और उनके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे अगर वाक्य इस तरीके से है, और यदि ही शी इट सिंगुलर पर्सन एक पर्सन है तो उसका प्रयोग हम उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे यदि वाक्य ऐसे हैं। अभी हैव और हैज का प्रयोग कैसे होता है ये तुमको और बताया जाएगा नेक्स्ट लेसन में। और उसी का पास्ट टेंस होता है हैड। हैड का भी हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तो अब तुमने ये देखा कि मेरे पास एक किताब है तो आई है, हमारे पास एक बल्ला है वी है, उसके पास ही हैज, तुम्हारे पास यू है, उनके पास दे है, उसके चार पैर मतलब तो उसके इट हैज। ओके, अब इसको राइट डाउन करो अपनी कॉपी में। नेक्स्ट लेसन हम हैज और हैव का और कैसे प्रयोग होता है ये सीखेंगे।